हेलो एवरीवन, मैं हूं आकांक्षा और आप सब लोगों का स्वागत है मेरे किचन पे। आज का जो वीडियो है वो मैं अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे बना रही हूं कि फ्रिज की क्लीनिंग हम घर पे कैसे करें नेचुरली। तो उसका इजी प्रोसीजर मैं आपको आज बताऊंगी। आप बिल्कुल केमिकल और हार्श प्रोडक्ट का यूज़ ना करें अपनी फ्रिज की क्लीनिंग पे, क्योंकि हम फ्रिज में बहुत सारा खाना रखते हैं, फ्रूट्स रखते हैं, वेजिटेबल्स रखते हैं। तो अगर आप केमिकल से अपना फ्रिज साफ़ करते हैं तो जो उसकी स्मेल होती है वो खाना सारा एब्जॉर्व कर लेता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं आज आपको इसमें नेचुरल क्लीनर भी बताऊंगी कि हम घर पे कैसे बनाएं और कैसे अपना फ्रिज अच्छे ढंग से क्लीन करें नेचुरली। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हम अपना फ्रिज कैसे साफ़ करें। देखिए, पहले मैं अपने सेकेंड डोर से स्टार्ट करूँगी। मेरे फ्रिज में एक्चुअली 3 डोर हैं, तो ये मिडल डोर है। तो सबसे पहले मैं सारा सामान इसमें से निकाल लूँगी, जो भी मैंने सामान अपने फ्रिज पर रखा हुआ है। ये मैट भी निकाल लूँगी, इसको हम बाद में धो लेंगे। इस साइड से भी निकाल लेंगे। अब मैं जो मेरे फ्रिज का प्लग है उसे स्विच ऑफ करके उसका प्लग बाहर निकाल लूँगी। प्लग बाहर निकाल दिया। अब हम जो ये सारी ट्रेज हैं इनको हम अलग करेंगे। इस साइड से भी निकाल लेंगे। अब एक साफ किचन टॉवल की हेल्प से हम अपना फ्रिज को क्लीन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लीनर बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने 2 ग्लास वार्म वाटर, यानी ल्यूक वार्म वाटर है ये, गर्म पानी, और ये 2 चम्मच बेकिंग सोडा इस पर मिलाऊंगी मैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर मैं इसमें आधा नींबू निचोड़ूंगी। इसे स्क्वीज कर लीजिए अच्छे से। नींबू से जो भी आपके फ्रिज में फाउल स्मेल है वो नहीं रहेगी, सब हट जाएगा जो गंदा ऑर्डर है। अब मैं इसमें 2 ढक्कन विनेगर मिलाऊंगी, यानी सिरका। अब इसमें 2 ढक्कन सिरका मिल चुका है। अब इसके बाद मैं इसमें मिलाऊंगी वनीला एसेंस। इससे जो है फ्रिज में बहुत अच्छी खुशबू आएगी और ये बहुत लंबे टाइम तक रहेगी। एक बार ये वाला क्लीनर यूज़ करके देखना आप। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके मेरे पास एक एम्प्टी स्प्रे बॉटल है, मैं इस पे ये सब मिक्सचर डाल दूंगी। इसको आप ऐसे ही बना के सेव कर सकते हैं, और जब आपको क्लीन करना हो अपना फ्रिज आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल है। अब ये हो गया हमारा क्लीनर तैयार। अब आइए चलते हैं क्लीनिंग प्रोसेस की ओर। तो पहले एक सूखे कपड़े से हम अपना फ्रिज को क्लीन कर लेंगे, जो भी डर्ट वगैरह सब निकाल लेंगे। जो भी रेसिड्यू जमा वगैरह है। अब इसके बाद हम ये स्प्रे बॉटल इस पर स्प्रे करेंगे। अगर आपके फ्रिज में बहुत ज़्यादा गंदगी है तो कम से कम आप जब स्प्रे करेंगे उसके बाद 15 मिनट तक फ्रिज में ऐसे ही रहने दीजिए। मेरा फ्रिज इतना गंदा नहीं है। तो अब इसके बाद से पोंछना शुरू करें। गंदगी ज़्यादा है तो स्प्रे करके थोड़ी देर छोड़ देना फ्रिज को। आप इस साइड में भी स्प्रे करें और अब इसको पोंछना स्टार्ट करें। एकदम आपका फ्रिज क्लीन हो जाएगा। और जो फ्रिज से गंदी बदबू आती, कभी हम कुछ प्याज वगैरह रख देते तो वो बदबू भी इससे हट जाएगी। ये फ्रिज का ये वाले भाग में भी इस जगह पे बहुत गंदगी जमा होती है। यहाँ पे स्प्रे करके इसको एक ब्रश की सहायता से इस तरीके से निकालिए, तो सारा जो इसके अंदर जमी गंदगी होगी वो भी एकदम निकल के सामने आ जाएगी। अब जो ये इसके अंदर पार्ट्स हैं इसको भी हम इसी स्प्रे से हल्का स्क्रब लेके इसको पोंछ के इसको धो लेंगे। और इसी तरीके से हम इसके सारे जो फ्रिज के पार्ट्स हैं इसको अच्छे से धो लेंगे।
और इसको धोने के बाद हम इसको थोड़ी देर के सुखाने रख देंगे। फिर वे सूख जाएंगे, इसको साफ़ टाल से पोंछ के फिर हम दोबारा फ्रिज में लगाएंगे। अब एक घंटा हो चुका है मेरे फ्रिज को, अब जो भी इसके पार्ट्स हैं मैंने ये इसमें पोंछ लिया है, ये अच्छे से सूख गए हैं। अब हम वापस इसको लगाना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं कि फ्रिज एकदम नए जैसा लगने लग गया है नेचुरली। इस स्प्रे को आप ज़रूर ट्राई करें क्लीनिंग जो मैंने आपको बताया है। इस साइड भी इस हम लगा लेंगे अच्छे से। ये देखिए कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है मेरा फ्रिज। अब इसे मैंने मैट बिछा दी और वापस हम सारा सामान पोंछ के हम फ्रिज में रख देंगे। ये देख सकते हैं। अब आइए हम चलते हैं सेकंड डोर की तरफ, नीचे वाले डोर में। यहाँ मैं अपने वेजिटेबल्स रखती हूँ, ये मैं निकाल लिया है। इस तरीके से मैं इस पर मैट बिछाई ताकि जो भी गंदगी है वो इस तरीके से आ जाए। अब हम सूखे कपड़े से पहले सारा जो गंदगी है वो बाहर निकाल लेंगे। अब फिर स्प्रे बॉटल से स्प्रे करेंगे। और अगर आपके यहाँ भी कुछ गंदगी जमा है तो आप फिर थोड़ी देर वेट स्प्रे करने के बाद वेट करना। पर मेरे इस रेफ्रिजरेटर में ज़्यादा गंदगी नहीं है तो मैं स्प्रे करके डायरेक्ट इसको पोंछ रही हूँ। और इस जगह पर फिर से मैं स्प्रे करके ब्रश से साफ़ करूँगी। ये देखिए गंदगी सारी निकल जाएगी। अच्छे से पोंछिए। सूखने के बाद मैं इस पर मैट लगा रही हूँ और वापस सब्जियाँ रख रही हूँ। हमेशा फ्रिज में सब्जियाँ धोकर रखें। अब आइए चलते हैं मेरे टॉप फ्लोर पे। ये देखिए मेरे फ्रिज का टॉप फ्लोर। अब हम इसको भी सब खाली कर लेंगे, सारे पार्ट्स निकाल के फ्रिज धो के। अब इसको साफ कपड़े से पहले पोंछ लेंगे, उसके बाद इसमें स्प्रे बॉटल स्प्रे करेंगे हर जगह। और इसको फिर किचन टॉवल से अच्छे से पोंछ लेंगे। बहुत फटाफट हो जाता है और कुछ भी अगर दाग आपके फ्रिज में पड़ा है वो ईजिली निकल जाएगा। बस अगर दाग ज़्यादा पड़ा हुआ है तो आप थोड़ा वेट करना 15 मिनट, उसके बाद क्लीन करना। इस पर मैंने मैट बिछा दिया। अब मैं वापस सारे सामान रखने स्टार्ट करूँगी। देखिए फ्रिज है वो एकदम क्लीन हो चुका है मेरा। अब फ्रिज का जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है और साइड के सारे पार्ट होते हैं, मेरा फ्रिज जो है स्टेनलेस स्टील का है तो इसको इस तरीके से स्प्रे में बाहर मारूंगी और इसको फिर से हम पोंछना शुरू करेंगे। और देखिए क्या शाइन आ रही है फ्रिज पे। ये डीप क्लीनिंग जो है मैं महीने में एक बार करती हूँ और वीकली मैं फ्रिज को बाहर से साफ़ करती हूँ। अब इसको आप सारे तरफ से इस तरीके से साफ़ करेंगे, नीचे भी साफ़ करेंगे। इससे आपके फ्रिज के जो भी बाहर से दाग धब्बे पड़े हुए हैं वो एकदम क्लीन हो जाएंगे, आपका फ्रिज एकदम महकेगा। साइड से भी फ्रिज को इसी तरीके से साफ़ करना है क्लीनर से। अब मेरा फ्रिज देखिए एकदम क्लीन हो चुका है। हम वापस जो इसका प्लग है वो लगा के इसको स्विच ऑन करेंगे। ये देखिए वाओ, मेरा फ्रिज एकदम क्लीन हो चुका है। तो मेरी इस ट्रिक को प्लीज़ फॉलो करना और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय गाइज़।